जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी बारिश तक फिलहाल कोई मेजर वेदर एक्टिविटी नहीं है, मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और 23 से जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है, 23 इवनिंग या नाइट से जो है हल्की बारिशों के साथ शुरू होगा और पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। फिर 24 को जो है हल्की बारिशें अमूमन रहेंगी, कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की भी बारिशें, और पहाड़ी इलाकों में खासकर नॉर्थ कश्मीर सेंट्रल कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे हल्की बर्फबारी 4 इंच से लेकर 6 इंच तक की भी बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में देखी जा सकती है। बाकी 25 फोरनून से मौसम में बेहतरी आने के इम्कान है, फिर लगभग एंडिंग अक्टूबर तक वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस है। फार्मर्स के लिए देखो जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं अभी वो उसको कंटिन्यू रखें, जो फसल या फ्रूट वगैरह जो उतारने हैं वो उतारें आराम से, और 24 को जो है थोड़ा सा मौसम खराब है तो उस बीच जो है थोड़ा सा गैप उनको लगेगा, बाकी 25 से जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चांसेस हैं, लगभग 3-4 इंच से लेकर 6 इंच तक की भी बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर देखी जा सकती है। तो ऐसे में जो ट्रेवलर्स हैं, टूरिस्ट हो, ट्रेकर्स हैं, तो वो अपना प्लान जो है खासकर 24 को अकॉर्डिंगली प्लान करें, और 25 के बाद जो है मौसम में बेहतरी देखी जा सकती है, तो उसके बाद एंडिंग अक्टूबर तक मौसम जो है ठीक रहने के चांसेस हैं। तो फार्मर्स जो हैं वो रिज्यूम कर सकते हैं हार्वेस्टिंग वगैरह या बाकी जो फार्म ऑपरेशन हैं, तो जो हार्वेस्ट किया है ऑलरेडी उसको सेफली स्टोर करें। 24 को जो है थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, नॉर्मल से लगभग 8-10 डिग्री तक भी नीचे जा सकता है, तो मिनिमम टेम्परेचर में भी जो है थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर 26 ऑनवर्ड्स टेम्परेचर में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है, खासकर मिनिमम टेम्परेचर, और दिन में जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं और टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट 15-18 से लेकर 20 डिग्री तक रहने के चांसेस हैं। जम्मू में भी खासकर पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिशें और टेम्परेचर भी अभी जम्मू में लगभग 18 से लेकर 20 डिग्री है। जम्मू डिवीजन के अंदर भी जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे दर्जा में काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, खासकर मिनिमम टेम्परेचर है। डे टेम्परेचर में भी जो है आप गिरावट देखने के चांसेस हैं, खासकर 26 तारीख के बाद।